कैबिनेट श्री जी किशन रेड्डी। बीजेपी में कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी गुजरात से आने वाले लोगों से दो तरह से बात करते हैं, एक वो जिनसे गुजराती में बात करते हैं, एक जिनको हिंदी में जवाब देते हैं। तो मांडविया जी उनमें से हैं जो गुजराती में जिनसे बात करते हैं। गंगापुरम किशन रेड्डी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तेलंगाना में बीजेपी को जिस तरह की सफलता मिली, बीजेपी ने अपने आप को बढ़ाया है वहां पर, और उसमें जी किशन रेड्डी और इस तरह के जो नेता हैं तेलंगाना के, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। किशन रेड्डी का और रोल है, वो युवा मोर्चा से आते हैं, वो फाइटर हैं, तेलंगाना और आंध्रा बेल्ट में अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना। देखिए, जब एक संविधान, जब मुकम्मल एक जगह पर पार्टी पहुंच जाती है उसके बाद कोई पोजीशन लेना तो बहुत ईजी होता है। जब आप वहां माइनॉरिटी, आज केरल में जो की जो स्थिति है, तमिलनाडु की स्थिति है, जो लड़कर पार्टी संगठन को खड़ा करता है उसको कभी केंद्रीय नेतृत्व नहीं भूलता, और किशन रेड्डी उनमें से एक है। 1980 से सक्रिय हैं ये जी, और युवा मोर्चा का बहुत बड़ा नेटवर्क। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, 2010 में आंध्र और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, और अभी भी बीजेपी के अध्यक्ष उनको कुछ दिन पहले दिया गया था पद, और मंत्री के तौर पर भी अहम जिम्मेदारियां इनको मिली है, उसको भी बखूबी निभाया है उन्होंने। कल को अगर मौका आया तेलंगाना में मुख्यमंत्री का, तो यही एक चेहरा है जो शायद बीजेपी कंसिडर करे, ऐसा चेहरा है। और रामकृपाल जी, तेलंगाना में बढ़ी है बीजेपी, बीजेपी ने बीआरएस का वोट बैंक काफी उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, और बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है उसमें इस तरह के नेताओं की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, जी किशन रेड्डी जैसे। बिल्कुल सही है, बीजेपी का भविष्य जो है, जैसा मैंने कहा कि एक वो है कि दस्तकों का आप किवाड़ों पर असर होगा जरूर, दक्षिण की जो खिड़की खुल रही है उसमें तेलंगाना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है।